सो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि कैसे हमने मुंबई से द्वारका ट्रैवल किया और हमें रूम कितने में और कहां मिला। सो अब हम रूम से फ्रेश होने के बाद निकल पड़े हैं नागेश्वर जी के मंदिर के लिए। थोड़ा यहां वहां बात करने के बाद और बार्गेनिंग करने के बाद हमें एक ऑटो मिल गया जो वन साइड का 300 रुपीज ले रहा था, यानी पर पर्सन 100 रुपीज। सो हमें आने जाने का टोटल फेयर पड़ा 600 रुपीज ऑटो से, और उसने हमें 1.5 घंटा अलॉट किया कि हमें 1.5 घंटे में दर्शन करके वापस आना होगा। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से कैसे है और इसके पीछे कहानी क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दारुका नाम की एक राक्षस कन्या थी। उसे दारुका वन में जाने की अनुमति नहीं थी। उसने कठिन तपस्या करके माता पार्वती को प्रसन्न कर लिया था। उसने माता पार्वती से दारुका वन में जाने का वरदान मांग लिया, और वरदान मिलते ही दारुका और अन्य राक्षसों ने वन को देवताओं से छीन लिया। वन में एक सुप्रिया नाम की शिव भक्त थी, जिसे दारुका ने बंदी बना लिया था। इसके बाद सुप्रिया ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। सुप्रिया ने अपनी कठिन तपस्या से शिव जी को खुश किया और उसने राक्षसों के नाश का वरदान मांगा। अपनी परम भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान शिव दिव्य ज्योति के रूप में एक बिल से प्रकट हुए। महादेव ने राक्षसों का विनाश कर दिया। सुप्रिया ने उस ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा की और शिव जी से इसी स्थान पर स्थापित होने का आग्रह किया। भगवान शिव ने अपने भक्त के आग्रह मानी और वो यहीं स्थित हो गए, और इस प्रकार ज्योतिर्लिंग स्वरूप में भगवान शिव नागेश्वर कहलाए। तो मेरे साथ बोलिए नागेश्वर महाराज की जय। तो नागेश्वर जी की कहानी सुनते सुनते हम एक्चुअल में नागेश्वर मंदिर पहुँच गए। आप मंदिर परिसर को देख सकते हो, और इस मंदिर में नागेश्वर बाबा विराजमान तो है ही, उनके साथ साथ शिव जी की इतनी बड़ी प्रतिमा जो लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। तो फाइनली वी हैव रीच्ड नागेश्वर टेंपल। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और अभी हम लोग पहुंचे हैं। जस्ट 5 बज रहा है। हम जिस दिन पहुंचे थे वो सोमवार का दिन था और श्रावण का महीना चल रहा था, इसलिए बहुत ज्यादा रश था। आप लाइन देख सकते हो कितनी ज्यादा लंबी है, बट लाइन लंबी हो या छोटी, हमने तो दर्शन करना ही था और हमने ठाना था कि आज हम दर्शन करके ही रहेंगे। तो हम भी लाइन में लग गए, और लाइन में लगने के बाद हमने शिव जी की अलग अलग एंगल से फोटोज निकाली, और जो शिव जी की प्रतिमा है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और वेल मेंटेन है यहाँ की अथॉरिटीज के द्वारा। आप इन वीडियोज को देखिए और शिव जी की प्रतिमा की खूबसूरती को देखिए। उमापति है कृपाल भगवान, जगत पते हम तुम्हें पुकारे। उमापति है कृपाल भगवान, जगत पते हम तुम्हें पुकारे। तुम्ही शरण हो, तुम्ही हो दाता, तुम्ही शरण हो, तुम्ही हो दाता, तुम्हारे चरणों में सिर झुकाए। तो आप लाइन को देख सकते हो, यहाँ पर जिगजैग बैरिगेटिंग्स की हुई है ताकि रश को अच्छी तरीके से मैनेज किया जाए। इवन लेडीज की लाइन अलग थी, जेंट्स की लाइन अलग थी। सो हम भी बाबा नागेश्वर के बाकी भक्तों के साथ लाइन में लग गए और अपने दर्शन का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ती रही और भक्तों का उत्साह भी बहुत बढ़ता रहा। आप अंदर से मंदिर के परिसर को देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है। इस मंदिर का 1996 में पुनर्निर्माण किया गया गुलशन कुमार द्वारा 6 करोड़ का दान देकर, और इसलिए इस मंदिर के परिसर में इनकी एक बड़ी फोटो आपको दिखेगी। सो हमने मंदिर में एंटर करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर 250 की थाली मिलती है, जिसमें आपको जल मिलता है अभिषेक के लिए, नारियल मिलता है और नाग नागिन का जोड़ा मिलता है। अली को देख सकते हो स्क्रीन पर। तो हमने ये थाली ले ली बिकॉज हमें पता चला कि हम गर्भगृह में अंदर जा सकते हैं। सो हमने 250 की थाली ली और 100 रुपीज का ट्रस्ट का रिसिप्ट था, जो पैसा इस मंदिर को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमने ये सारी चीज दी और हम अंदर गए, भगवान जी का जल अभिषेक किया और उनके आशीर्वाद के साथ हम बाहर निकले।
और हम लास्ट ही थे बिकॉज उसके बाद भगवान की आरती होने वाली थी, इसीलिए आप देख सकते हो वीडियो में कि उनका गर्भगृह को साफ किया जा रहा है। यहाँ पर वीडियोस अलाउड थे इसलिए मैंने वीडियो शूट किया, वरना मैं वीडियो नहीं शूट करता। तो हमारा नागेश्वर बाबा का अच्छे से दर्शन होने के बाद हम बाहर आ गए। और बाहर हमने एक दूसरे के फोटोज खींचे, मंदिर को बहुत अच्छी तरीके से देखा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर के पीछे एक सरोवर है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। सो हम भी बाहर निकलते हैं और हमें बैक टू बैक उस रिक्शे वाले का फोन आ रहा था क्योंकि हम काफी लेट हो चुके थे। सो हमने बाहर निकलने के बाद शिव जी की भव्य प्रतिमा के सामने कुछ फोटोज निकाले। और निकल पड़े हमारी उसी सवारी को लेकर द्वारका के लिए। बट बीच रास्ते में ही हमारी गाड़ी खराब हो गई और ड्राइवर चिंता में आ गया, इवन हम भी चिंता में आ गए थे। खराब हो गई ये बहुत ज्यादा गर्म हो रही, इधर तक भाप मार रहा है, सच में गर्म हो गया। चलेगी कि नहीं चलेगी गाड़ी? सीधे सुखा लेना। आराम आराम से चलो, पता चला पहुंच ही नहीं पाए, धक्का मारना पड़ेगा, फिर आपको मुझे देना पड़ेगा पैसा। तो इसके बाद हम जाने वाले हैं द्वारकाधीश के मंदिर पर। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ भी यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो। और इस वीडियो में जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं वो सिर्फ ऑटो का एक्सपेंस था 600 रुपीज का, बाकी हमने जो मंदिर में जो एक्सपेंसेस किए पूजा पाठ के लिए उसे हमने इस ब्लॉग के हिस्से में नहीं काउंट किया है बिकॉज वो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं। और हमें स्पेशल दर्शन में लगभग 3 घंटे लग गए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने प्राइवेट व्हीकल ही लेकर यहाँ पर आए या फिर हमने जैसे हायर किया था वैसे आप लेकर आए। बाकी अभी तक आपने मेरे गुजरात सीरीज के पहले वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, या फिर इन दोनों वीडियोस में से किसी भी वीडियो को आप देख सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी नए और एक प्यारे से व्लॉग में। जय भोलेनाथ।